पूछे हो तो लट्ठू राम की तरह होने तो ना हो क्या, पूछ आपका बहुत तगड़ा है क्या, अच्छा नहीं लगता है एकदम बिजोड़ है ये तो देश जवानों का शान है। अच्छा तो यहाँ किस लिए आए हैं भाई? बस यही आए हैं। किस लिए आए? देखने के लिए, सुनने के लिए। किसको किसको सुनने आए? मोदी के प्रवचन को सुनने के लिए। मोदी के प्रवचन को? मोदी तो नहीं आ रहे, उनके और सहयोगी कौन है? वो सहयोगी को सुनने आए हैं। तो इस बार सरकार किसकी? बिल्कुल बिल्कुल मोदी की सरकार है। मोदी की? अरे वाह, मूंछ लेकिन आपका जबरदस्त है भाई। ठीक है, क्यों आए हो? काहे आए? ऐसे मोदी सरकार का प्रचार हुआ तो इसे देखने के लिए आए। मोदी सरकार का वही देखने के लिए आए थे, भाषण की कैसे कैसे होता है। अच्छा, नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और आप हमारा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं सहस्त्र न्यूज। आप पीछे देखिए, ये जो लोगों का हुजूम है यह पूर्णिया में है, पूर्णिया रंगभूमि मैदान में। अभी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, ये लोग आ रहे हैं। हम जूम करके बोलेंगे, कैमरा पर्सन को दिखाइए। और हम यहाँ आए हैं लोगों की राय जानने कि आखिर किस मुद्दे पर किस तरह की बात होनी चाहिए, पूर्णिया का कहाँ तक विकास हुआ नहीं हुआ, ये सारा चीज यहाँ के लोगों से जानेंगे। लोग बैठे हुए हैं, लोगों का राय जानेंगे कि जेपी नड्डा साहब या कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद यहाँ जो आ रहे हैं उनसे लोग क्या सुनना चाहते हैं, उनके मुंह से क्या नया कुछ सुनना चाहते हैं, कि आगे का एजेंडा क्या होगा, रणनीति क्या होगा, ये सारा चीज हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। यहाँ के बहुत लोगों का हुजूम आया हुआ है, हम विभिन्न तरह के लोगों से बात करेंगे, खास करके महिलाओं से बात करेंगे। आप देखिए इधर काफी महिलाएं यहाँ जमा है, उनसे भी बात करेंगे, सारा चीज हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ आए हुए हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गजेंद्र राव। क्यों आए यहाँ? हमें कुछ आपको जिताना है, भारतीय जनता पार्टी को दिल से सहमत हूँ। अच्छा, सरकार से खुश है? हाँ बिल्कुल खुश है। क्या चाहते हैं? चाहते हैं जो 15 साल पहले बीत चुका है राजद के समय में, राजद कांग्रेस के समय वो सरकार मैंने देखा है, केवल सरकार में लूट खसोट डकैती हत्या का, न कहीं सड़क का, न कहीं शिक्षा का, नहीं कुछ। उसके ठीक 15 साल में देख रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी ने बहुत सारा विकास किया है, नहीं 100% 80% विकास जरूर किया। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। जो सीएम कैंडिडेट खुद 9वीं पास है, हाँ। वो मैट्रिक पास है क्या? वो 10 लाख रोजगार कहाँ देंगे? वो जो ये तो सोचना चाहिए उस रोजगार वाले को, जो 9वीं खुद फेल है वो रोजगार कहाँ से देंगे? उनके परिवार में अगर कोई ग्रेजुएट पास है तो बता दीजिए, लालू के सिवा कोई ग्रेजुएट पास है तो बता दीजिए। किसको देखने आए हैं? सुशील मोदी जी को। सुशील मोदी तो नहीं आ रहे हैं आज? आएंगे, आएंगे। कब आएंगे? आज तो जेपी नड्डा आ रहे हैं, रविशंकर है क्या? क्यों आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं रविशंकर प्रसाद, क्या सुनना चाह रहे हैं उनसे आप? उसके मुंह से कुछ भारतीय जनता पार्टी का क्या हुआ कार्य को सुनना चाहते हैं। अच्छा, जितना सारा काम किए पब्लिक के बीच में बताएंगे। सरकार से खुश है? एकदम खुश है सरकार से। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। वो नौकरी नहीं दे पाएगा। काहे नहीं दे पाएंगे? नहीं दे पाएगा, वो लूटने का काम करेगा, लूटने का काम। हाँ, आप बताइए काहे आए हैं? किसको देखने आए? मोदी जी को देखने आए हैं। मोदी जी तो नहीं आ रहे आज? आएंगे। अरे आज तो जेपी नड्डा आ रहे हैं। आप कहाँ आए हैं? मोदी को? मोदी तो नहीं आ रहे हैं। आएगा, जरूर आएगा। मोदी का क्रेज है भाई। आप बाबा खुश हैं? एकदम खुश हैं। है सरकार से? नीतीश जी गरीबों के गैस चूल्हा अब भारत सरकार दिया, जो
जो अथी पर जलावन पर खाना बनाता था, मैंने उसको राहत मिला। अभी कोविड-19 में अभी 5 महीना से अन्न मिल रहा है, 5 किलो एक आदमी पर फ्री मिल रहा है। शासन भी आपका ठीक है, रोड वगैरह मोदी जी के रिजिम में बना। हम किसी प्रकार का महिला को जो बच्चियां हैं मैंने उसको साइकिल आप कहाँ आए हैं? यह आए हैं आम सभा, क्या बोलते नड्डा जी आए हैं। अच्छा। और हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो मेरा बिहार का है उसी को समर्थन में हम लोग पहुँचे हुए। सरकार से खुश हैं जी? कहाँ घर हुआ आपका? बेगमबाद भगन पड़ता 46 नंबर वार्ड। अच्छा अच्छा, कहाँ आए? रैली में आए हैं। किसका रैली में? जेपी नड्डा का जो है अध्यक्ष राष्ट्रीय था बीजेपी का। कहाँ है बाबू? बस यही रैली में आए हैं। किसको देखने आए हो? बस हेलीकॉप्टर को की नेता को सबको देखने आए। कौन नेता आ रहे हैं? जेपी नड्डा। जेपी नड्डा को क्या करने आई सरकार से खुश है? फिर लाना है सरकार को, फिर लाना है। आप बताइए खुश है? फिर लाना है। यहाँ किसको देखने आई है? मोदी जी नहीं आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी और 5 फ्लाईओवर यहाँ प्रस्तावित है। आरओबी भी हम बनाने का काम यहाँ करेंगे और उससे भी ज्यादा यहाँ बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, नौजवानों के लिए ध्रुव उद्यान का इसी 5 साल में निर्माण हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार भारती जी को, जिन्होंने अपने काल में यहाँ पूरन देवी और काली मंदिर में पर्यटन विभाग से उसके विकास के लिए उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों साथियों, ये पूर्णिया एजुकेशन हब है, ये पूर्णिया हेल्थ का मेडिसिन हब है, ये पूर्णिया ऑटोमोबाइल्स हब है, ये पूर्णिया आज विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, आज महिलाएं यहाँ आगे चल रही हैं। और इसलिए हमें दिलीप जायसवाल जी कह रहे थे कि विजय जी आज की सभा में महिलाओं की संख्या सबसे आगे और सबसे ज्यादा है और एनडीए की सरकार फिर बनेगी, ये लोगों ने मन बनाया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में और बिहार के मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हमारे उप मुख्यमंत्री सुशील जी के नेतृत्व में बिहार में जनता ने 60 नवंबर को नेताजी लेट कर रहे हैं। नेताजी लेट कर रहे हैं कि वो किसी का इंतजार में है। कौन नेता आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी आ रहे हैं कि जेपी नड्डा आ रहे हैं? जेपी इस बार सरकार से खुश रहिएगा? हाँ, सरकार से खुश रहेंगे। अच्छा, तो इस बार फिर दोबारा चुनना है? वही रहेगा। हाँ। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जो है। अच्छा, वही रहेंगे। हाँ। काहे आए हैं बाबा यहाँ, किस लिए आए हैं? जब लोग घर हैं भाषण सुनने आए हैं। भाषण? किसका भाषण सुनने आए? जो भाषण कौन आया है? नीतीश सरकार आने वाला है, उसको देख रहे हैं। नीतीश सरकार आने वाला है। तो इस बार किसका सरकार? सरकार अभी देखो अब क्या होता है, तब भी जब भी होगा तो मन का। यहाँ तो सुनने आए हैं नीतीश सरकार को ना? हाँ। तो फिर से नीतीश सरकार बनाना है? अब कौन सरकार बनेगा अभी का नाम मुश्किल है। आप बताइए क्यों आए हैं यहाँ? आए हैं नीतीश कुमार जी के अथी में, नीतीश जी के इसमें। हाँ। क्या इस बार किसकी सरकार? नीतीश जी की। आप बताइए किसकी सरकार? नीतीश जी का।
यहाँ क्यों आए हैं? ऐसे घूरने फिरने आ जाते हैं। घूरने फिरने आए हैं? अच्छा, पढ़ते हैं? हाँ तो पढ़ते हैं। किस क्लास में? 2005 के बाद। तो इस बार खाली घूमने आएंगे, हेलीकॉप्टर देखने आए? क्या हेलीकॉप्टर देखेंगे, क्या है, ऐसे आ जाते हैं, क्या करेंगे? हंस रहे हो, क्या बात है, क्या देखने आए हो? वही हेलीकॉप्टर देखने आए हैं जो हंस रहे हैं। हेलीकॉप्टर देखने आए हैं? नेता को नहीं देखने आए? नेता तो नहीं देखते हैं। जेपी नड्डा जी आ रहे हैं 4 बजे, उसको जो भाषण होगा यहाँ पे रैली के बारे में वो समझने के लिए। ऐसा नहीं कि घूमने के लिए आए हैं, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, तो इस बार किसकी सरकार? इस बार नीतीश की सरकार होगी। सरकार के काम से खुश हैं? हाँ खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। कहाँ घर हुआ आपका? हमारा घर मरंगा हुआ। मरंगा, आप बताइए इस बार किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। नीतीश की सरकार? बीजेपी की सरकार। नीतीश की सरकार। चलिए, कौन आ रहे हैं आज? रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री। रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद, आप बताइए क्यों आए हैं यहाँ पे? जेपी नड्डा और ये रविशंकर जी आ रहे हैं, उसी का भाषण सुनने आए हैं। अच्छा, प्रभावित है इस सरकार? काम की है? अच्छा, कुछ क्षेत्रों में काम किए हैं। अच्छा अच्छा, बताइए किस क्षेत्र में काम किए हैं? रोड और बिजली जो कि नहीं था, साथ में हम लोग का जिला में पहले अशांति ज्यादा था, शांति कायम रखा है, तो बहुत अच्छा काम था मेरे नज़र से। बहुत अच्छा काम आपके नज़र से? अच्छा, इस सरकार से खुश हैं? खुश हैं तब तो आए। ओ, खुश हैं इसीलिए आए? पूरा समर्थन करते हैं एकदम। काम से खुश हैं? एकदम खुश हैं। इस बार किसकी सरकार है? किसकी सरकार? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का हुआ, नीतीश कुमार का सरकार। आप बताइए, आप तो नवयुवक हैं, सरकार के काम से खुश हैं? बहुत अच्छा खुश हैं जी। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, रोड बिजली पानी सभी साधन कर दिया। रोजगार नीतीश कुमार का सरकार होना चाहिए। रोजगार अभी तो बोल रहे हैं तेजस्वी यादव की 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। नहीं, अभी जो है ना, हाँ, वही ठीक है, वही ठीक है। जो है यही बहुत अच्छा सरकार है। मोदी है से बहुत विकास मुमकिन है। हाँ? मोदी है तो विकास मुमकिन है, और नीतीश है तो विकास भी मुमकिन है। अपने लिए जो हमारा पंचायत घर घर में हर गरीब को हम हर चीज दिए हैं। हमारा पंचायत में कोई काम नहीं करे छे, उसी का रैली में आया है। हमारा पंचायत में कोई काम ही नहीं करे छे। यहाँ काहे आए? यहाँ काहे आए? अब यहाँ सरकार, हमारे सरकार उठ रही है, भाजपा सरकार उठ रही है, मोदी सरकार उठ रही है, वो तो हरेक चीज तैयार है। जब काम नहीं करती है सरकार तो फिर उसको वोट क्यों देना? नहीं, जब सरकार काम करे, जब नीतीश सरकार काम करे, मोदी सरकार काम करे, तो वोट देवे करे। अच्छा, जंगल राज लालू बना के रख लगे रहे, जंगल राज आप नहीं छे। जंगल राज नहीं छे, आप रोड बन गए, राशन मिले छे। यहाँ कैसे आई लो? कैसे आई लो यहाँ? यहाँ प्रत्याशी उठल है विनोद यादव, वहाँ से हमारा नाम लगे है। हम प्रत्याशी की कह के लगे।